हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब के अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी है। हालांकि अय्यूब ने ट्विटर से सवाल भी किया है। उन्होंने नोटिस पोस्ट करते हुए लिखा है, हेलो ट्विटर, आखिर ये क्या है? अय्यूब राणा के अकाउंट पर भारत में रोक की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के तहत हुई है। नोटिस में लिखा है कि भारत के स्थानीय कानूनों के तहत दायित्व का पालन करते हुए हमने ट्विटर के भारत में इस अकाउंट को रोक लगा दी है। नोटिस में ये भी लिखा है कि हमारी सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की आवाज़ को बचाव करने और उनका सम्मान करने में ट्विटर दृढ़ता से विश्वास रखता है। अगर हमें किसी अधिकृत संस्था, कानून परिवर्तन या सरकारी एजेंसी के कंटेंट को हटाने के लिए लीगल रिक्वेस्ट मिलती है तो अकाउंट होल्डर्स को सूचना देना हमारी नीति है। हम यह पता करने के लिए नोटिस देते हैं कि उपयोगकर्ता उस देश में रहता है या नहीं जहां से अपील की गई है। वहीं ट्विटर से अय्यूब को नोटिस मिलने के बाद समर्थन भी मिल रहा है। टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवराटिलोवा ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, अगला कौन, ये भयानक है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट को राणा अय्यूब और ट्विटर को टैग किया है। वहीं प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि ट्विटर का नोटिस या तो एक बग है या पिछली घटनाओं को लेकर देर से आई प्रतिक्रिया हो सकती है। मुझे भी पिछले साल ट्विटर से ऐसा ही ईमेल मिला था। परिवर्तन निदेशालय ने इसी साल राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपए राशि भी जब्त की थी। अय्यूब ने मनी लॉन्ड्रिंग के इन आरोपों को बदनाम करने की साजिश के लिए चलाया जा रहा अभियान बताया था।